नीतीश जी भाजपा में कभी नहीं जाएंगे। महिला के भी 5 मिनट टाइम लगता है, लेकिन नीतीश कुमार के तो समय नहीं लगता है पार्टी बदलने में। लोग के राज में गरीब और गरीब होते चला गया धरती के नीचे, लेकिन लालू यादव ऐसा शेर है गरीबों का नेता जो जानता है दुख दर्द। लेकिन पलटू चाचा के बात ही छोड़िए, उम्मीद भी नहीं है आगे, और न 24 में आएंगे न 25 में आएंगे। अभी वर्तमान में तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है। तो पलटू पार्टी है ही, कखने कने क्या बोलेंगे करेंगे कोई ठिकाना है इनका। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है और ऐसे में चुनाव को मद्देनजर देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई जद्दोजहद करने के बाद तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट कर लिया। लेकिन हाल ही में नीतीश कुमार ने एक बयान दिया है जिसके बाद से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार शायद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उन्होंने भाजपा के समर्थन में बयान दिया और उन्होंने भाजपा के साथ अपनी दोस्ती कायम रखने की बात कही, जिसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्मा चुकी है और कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस में शामिल जो दल हैं वो नाराज हैं नीतीश कुमार से। हालांकि नीतीश कुमार ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, लेकिन आज हम पटना की जनता से जानेंगे कि क्या नीतीश कुमार का इस पर कहना है कि ये उनका निजी बात है, लेकिन क्या निजी बातों को ऐसे मंच से बोलना उचित है कि नहीं। यहाँ पटना के लोगों से ही बातचीत करेंगे और जानेंगे। एक बार पेपर में हम पढ़े थे कि बोले हैं कि भाजपा के साथ 7 जन्म तक नहीं जाएंगे, ऐसी बोले थे। ठीक बात है, यहाँ इंडिया अलायंस जो है नज़र टिका के बैठा है लोकसभा चुनाव के लिए, उधर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा के साथ दोस्ती नहीं टूटेगी, तो अब इंडिया अलायंस कैसे चलेगा? नहीं, गलत बोल रहा है। नीतीश जी भाजपा कभी नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे और इंडिया पर जीत रहा है चुनाव। इंडिया अलायंस बिल्कुल, लेकिन बयान तो नीतीश कुमार कुछ उल्टा ही दे रहे हैं। बयान कहाँ से दे रहा है? जन्मों जन्मों तक दोस्त। यदि भाजपा में जाएंगे दीजिए पीएम नहीं बनेंगे। पीएम नहीं बने? नहीं। भाजपा में जाएंगे कि नहीं? नहीं, हम दिमाग से नहीं जाएंगे। क्या लगता है भाजपा में जाएंगे फिर से? देखिए, जो दलुआ बदलुआ है उसको क्या, जो राजनीति अस्तित्व पर नहीं लेकर चलता है उसको क्या विश्वास कि वो किधर चल जाएगा। एक महिला के भी 5 मिनट टाइम लगता है, लेकिन नीतीश कुमार के तो समय नहीं लगता है पार्टी बदलने में। तो उस आदमी पर क्या भरोसा कि इधर जाएगा नहीं जाएगा, अभी लंबा दूरी तय करना है। क्या इंडिया अलायंस बनाकर अब नीतीश कुमार पछता रहे हैं, क्योंकि अब उनका मन जो है वो डोल रहा है कि वो हार रहा है, तो वो डोल रहा है कि ऐसे डोल रहा है। उम्र भी है उनका, बिहार में अब नया नया चेहरा लोग आएगा तो विकास होगा, यह बात है। क्या लग रहा है नीतीश कुमार अब बयान दे दिए कि लालू जी के नाम को घोषणा कर दें पीएम, देखिए कि भारत में जय जयकार हो जाएगा तुरंत। लालू यादव को प्रधानमंत्री बना देंगे? हाँ, लालू यादव के अगर प्रधानमंत्री सारे पार्टी मिलकर घोषणा कर दे। यादव तो अभी मतलब अभी जो है बेल अभी छूटे, फिलहाल बेल मिला है उनको, अभी बेल में है ना। 24 में तो इलेक्शन वो लड़ेंगे ना, 24 इलेक्शन नहीं लड़ सकते लालू यादव, नहीं लड़ेंगे तब तो खैर पीएम के लिए सोचना पड़ेगा। अच्छा, लालू यादव लेकिन बन सकते हैं? हाँ, पीएम तो एकदम लाइक है, क्वालिटी दिखा आपको, क्योंकि वो गरीबों का नेता है, उनके रीजन में गरीब ही अमीर बना है, और इन लोग के राज में गरीब और गरीब होते चला गया धरती के नीचे। लेकिन लालू यादव ऐसा शेर है गरीबों का नेता जो जानता है दुख दर्द, लेकिन जो बिजनेसमैन का सरकार होता है वो नहीं जानता है गरीब को हाल क्या है, इसलिए वो प्रधानमंत्री बनेंगे भी लालू यादव के पार्टी कोई भी। ये बात क्या लगता है, नीतीश कुमार कह चुके हैं कि अब जो है जन्मों जन्मों का रिश्ता है भाजपा के साथ, ही दोस्ती नहीं टूटेगी? ये पलटू चाचा की बात ही छोड़िए, ठीक है मैडम, क्योंकि उनको बिहार से मतलब नहीं है और बिहार के जनता से मतलब नहीं, उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है। बयान देने में माहिर है और कुछ नहीं है उनसे, और उम्मीद भी नहीं है आगे, और न 24 में आएंगे न 25 में आएंगे। इसके बाद साफ
नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो उनका व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत संबंध है, तो वो व्यक्तिगत तरीके से बताना चाहिए ना, मन से बोलने की क्या जरूरत। अब देखिए, व्यक्तिगत संबंध तो हर किसी एक दूसरे से होता ही है, लेकिन ये जो बयान देने वाली बात है ये उनकी भूल है। और कितनों कुछ करेंगे ना, बीजेपी वाले अब इनको रखेंगे नहीं, क्योंकि सोचेंगे जाने के लिए लेकिन रखेंगे नहीं, क्योंकि क्या इंडिया अलायंस को डराने के लिए ये सब बोल रहे हैं। डरने वाली थोड़ी ना है इंडिया, नहीं डरेगी। देखिए नहीं, इंडिया जो है, किसको बात बता रहे हैं आप? जो गठबंधन बना है विपक्षी दलों का, तो क्या नीतीश कुमार उनको डराने के लिए ऐसा बयान दे रहे हैं? नीतीश कुमार से डर जाएंगे चाचा? चाचा नहीं ना डरेंगे नीतीश कुमार से? कौन चाचा नहीं डरेंगे? मोदी चाचा जो है नीतीश कुमार से डर जाएंगे? मोदी चाचा है? हाँ बिल्कुल, अब दिल से बोल रहे हैं, आज ही बोलते, उनसे डर जाएंगे। उनका अपना कोई ठिकाना है जो कहे को बिहार में सीट लाते हैं नहीं लाते हैं? अकेला तक ये सरकार बनाए नहीं है और न उनसे बनेगा, और क्या कर पाएंगे। अब बिहार के मुख्यमंत्री बोल दिए हैं कि भाजपा के साथ जो है उनका दोस्ती जन्मों जन्मों का है, वो नहीं टूटने वाला है, क्या कहेंगे? देखिए अभी वर्तमान में तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बिहार का मुख्यमंत्री है, तो करने का मकसद है कुछ बदलाव फिर होना जरूरी है बिहार में। ये बिहार में विकास नहीं है, यहाँ से बहुत डेली 5 लाख आदमी पलायन कर रहा है, छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग हो दोनों जा रहा है। यहाँ कंपनी दो गवर्नमेंट में कोई भी गवर्नमेंट नहीं दिया बिहार को विकास किया है, इसलिए अभी बदलाव होना जरूरी है। क्या ये जो नीतीश कुमार बयान दिए हैं कि भाजपा के साथ दोस्ती नहीं टूटेगी, तो इसके बाद क्या अब इंडिया अलायंस उन्हें प्रधानमंत्री का दावेदार बनाए? देखिए नीतीश कुमार का आदमी भाग रहा है भाजपा में, अब भाजपा का आदमी भाग रहा है लालटेन में, तभी किसी का मुद्दा भी ठीक नहीं है। दल बदलू हो रहा है, कभी इस पार्टी में जा रहा है उसका आदमी, कुछ का आदमी इसके, तो इसलिए अभी संभावना कम है। क्या लगता है आपको, नीतीश कुमार फिर जाएंगे एनडीए में? नहीं, गठबंधन में रहेंगे, अभी गठबंधन में रहेंगे। दोस्ती की बात तो बोली ना कि भाजपा के साथ उनकी दोस्ती जन्मों जन्मों तक रहेगी। पुराना मित्र है तो दोस्त बोलवे करेंगे। मित्र है तो घर में बुलाना चाहिए, बिठाना चाहिए, माइक के सामने या पब्लिकली सबको कह रहे हैं कि दोस्त। राष्ट्रपति आए वो तो तब बोल दिए कि भाजपा के साथ मेरा पुराना मित्र है, उससे क्या होता है? राष्ट्रपति का भाजपा से क्या लेना देना? तो राष्ट्रपति भाजपा के कैंडिडेट ना है, ये कहेंगे वही ना सुनेंगे। कुमार जी बोल रहे हैं कि हमारा बीजेपी से नाता एकदम अटूट और मेरा विश्वास है, तो आप इन पर, आप नीतीश जी को सोच सकते हैं कि कितना वो खड़ा उतरेंगे गठबंधन में सबके साथ जो रिलायंस में है। जब मतलब झटका दे सकते हैं इंडिया अलायंस वाले? हम एकदम झटका, जब वो बोल दिए कि हमारा बीजेपी से नाता नहीं टूटेगा, तो नहीं टूटेगा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब जो है खिचड़ी पक रहा है, हाँ दाल में काला, वो कब पलथनिया मार रहे इनको कोई पता नहीं है, और किनको मुख्यमंत्री बना के निकल जाएंगे या हट जाएंगे। भी रहना जरूरी है, बुद्धिजीवी भी रहना जरूरी है, अगर एक गरीब या हम ही को अगर ये महात्मा गांधी का पुल दे देगा बनाने के लिए तो बना पाएंगे, पैसा भी देगा तो नहीं बना पाएंगे, तो वो ब्रेन वाले की ज़रूरत है इस देश को। आज जहाँ जहाँ ब्रेन का अभाव है वो दोस्त देश त्राहिमाम चल रहा है, युद्ध में धकेला जा रहा है, इसलिए विदेश नीति और देश में जितने लोग हैं और अच्छी ढंग से सरकार चले और बुद्धिजीवी मिल कर चले, और जो अगर कह रहे हैं अपने ढंग से वो लोग बड़े लोग हैं, अच्छी बात है, उसको हम लोग साधुवाद देते हैं। तो नीतीश कुमार जाएंगे एनडीए में वापस? अरे वो जहाँ जाए अब उसकी बात तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये तो जानते हैं कि विद्वान आदमी है, उनको समय के मुताबिक चलना चाहिए। आज हम जिस मोड़ पर हैं, विश्व गुरु के मोड़ पर हैं, आज विश्व के जितने नेता थे जो हमारे देश में आके थे, उनका चरण कमल जो दूसरे के देश में जाकर हमको चाकरी करना पड़ता था, आज वो हमारे देश में आकर के हमारी बड़ाई हमारे ऊपर आ रहा है, आज हम विश्व कप खिला रहे हैं, ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये देश चलाना दुनिया चलाना एक छोटी ब्रेन की उपज नहीं है, इसलिए बड़े लोगों की भी ज़रूरत है, छोटे लोगों की भी ज़रूरत है। बड़े लोगों को यही मेरी अपेक्षा है कि अपनी दिल को उदार वृत्ति करे, क्योंकि उदार से आप, क्योंकि त्राहिमाम गरीबों को भी सेवा किया जाए,
क्योंकि कर्म ही पूजा है और सेवा ही धर्म है, बाद बाकी ये सब मिथ्या है। इसीलिए जिसके पास भगवान पैसा दिए हुआ है वो कम से कम नहीं ज़्यादा तो 4 अनाज से 6 अनाज गरीबों में दान करें। इसके लिए हम उसको हम आग्रह और निवेदन करेंगे ताकि उसको भी इस पैसे की ज़रूरत है। यही साधुवाद, धन्यवाद। क्या लगता है बाबा, नीतीश कुमार बोल दिए कि भाजपा के साथ अब ये जो रिश्ता है दोस्ती वाला वो नहीं टूटने वाला है? ये तो पलटू पार्टी है, ये कखने कने क्या बोलेंगे करेंगे कोई ठिकाना है इनका? हाँ, इनका कोई ठिकाना है। पलटू मतलब इंडिया अलायंस टकटकी लगा के बैठी है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार ऐसा ऐसा बयान दे रहे हैं, अब क्या होगा इंडिया अलायंस का? अब तो ये समय ही बताएगा ना, सबका आंकड़ा तो हम थोड़े बता सकते हैं, सबका अच्छा। दिल की बात है। क्या नीतीश कुमार डराने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा उनके पास ऐसा भावना नहीं कि किसी को डराए, ऐसा भावना उनका साथ नहीं। अचानक से बोल देना कि भाजपा से दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, इसका क्या मतलब बनता है? वो तो अपना वोट के लिए कुछो बोल करके आम जनता को खुश करना चाहते हैं। हाँ, इसलिए वो कुछो भी कर सकते हैं। वो उनको जो है वो अपना पद और प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी बोल करके अपना जो है बहुमत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, क्या कह रहे हैं? इसीलिए तो बोलते हैं नीतीश जी कि हमको बीजेपी से नाता नहीं तोड़ेंगे, अच्छा रखेंगे, इसलिए आरएसएस के मेंबर वो भी हैं। अच्छा, तब ना आरएसएस के मेंबर इसीलिए नहीं? हाँ, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि हमको बीजेपी से नहीं नाता टूटेगा, क्योंकि जो भी बीजेपी के लोग हैं वो आरएसएस के ही मेंबर हैं। क्या कहेंगे आप नीतीश कुमार? नीतीश कुमार बोल दिए हैं कि आप भाजपा से दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, तो वो बोले हैं तो बस आश्वासन देने के लिए बोले हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ, दोस्ती टूटेगा नहीं, मतलब दोस्ती उनसे रहे बीजेपी से रहेगा दोस्ती, बट मतलब आरजेडी से जो भी मतलब गठबंधन का सरकार है वो बना रहेगा। अभी बताइए, दुश्मन को कभी दोस्त बनाया जाता है? तो दुश्मन को कभी कभी दोस्त बनाया जाता है धोखा देने के लिए। अच्छा, नीतीश कुमार फिर से धोखा देंगे? हाँ, दुश्मन को कभी कभी दोस्त धोखा देंगे, अपने लोगों को या दुश्मन को? दुश्मन को धोखा देंगे। अच्छा। हाँ, बिकॉज उनको स्टार्टिंग से ही जो मतलब स्टार्टिंग से उनका दोस्ती रहा है मतलब लालू यादव से, मतलब आरजेडी से उनका अच्छा संबंध रहा है, और सामने वाला पार्टी जो बीजेपी है। एक समय में तो आरजेडी से भी अच्छे संबंध नहीं थे, फिर क्या? तो आरजेडी से अच्छा संबंध नहीं था तो वो भाई भाई में कभी कभी लड़ाई भी हो जाता है ना। अच्छा। हाँ, तो वो ये तो भाजपा के साथ भी हुआ है कि कभी अच्छे संबंध कभी बुरे संबंध। तो भाजपा एक अलग, देखिए अपना भाई होता है ठीक है, और भाजपा कहीं मतलब बहुत डिस्टेंस है भाजपा से रिलेटेड। परिवारवाद की बात कर रहे हैं? नहीं, परिवारवाद हम परिवार, मेरा कुछ नहीं है। हाँ, परिवार परिवार ही रहता है। तो अभी हमने बात की पटना की जनता से, जिन्होंने कहा कि जो है नीतीश कुमार पलटू चाचा हैं और वो सेकेंड में किसी भी पार्टी में पलट सकते हैं। आपके इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।